Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, वेलकम टू testbook.com। सो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोगों ने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रीलिम्स में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट जब मेंस की बात आती है तो मेंस के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे आप सभी को पता है। और आजकल क्या हो रहा है कि जो मेंस एग्जाम है उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछे जा रहे हैं। लाइक आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिए और दो तीन क्वेश्चन एक साथ निकालने होते हैं। तो वही न्यू टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल आपको वैसा ही चाहिए होगा जैसा कि हम लोगों के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है आप लोगों को, इफ़ 1/5 ऑफ टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 24 लीटर पर मिनट। 1/5 टैंक को फिल करने में 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से फिल किया जा रहा है। Then half of the tank is filled by another pipe at the rate of 30 liter per minute and the rest at the rate of 24 liter per minute. The total time taken to fill the tank is 30 minute. Time taken by pipe A to fill the tank is also 30 minute. The total capacity of tank is fill in the blanks. मतलब यहाँ पर blank की जगह पे क्या आएगा ये हम लोगों को calculate करना है। And the total time taken by pipe B to fill the tank is 15 minute. The average rate at which the tank is filled if Pipe B and Pipe A together open is. Again fill in the blanks. Which of the following options satisfy the two blank in the question? आपको ये बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे fill in the blanks की पोजीशन को, ठीक है। सो पहले आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को ना, ट्राई करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपको कहाँ पर टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कैपेसिटी, फ्लोरेट, और आप लोगों को पता होना चाहिए कैपेसिटी क्या होता है, फ्लोरेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर, पहले समझते हैं कि कैपेसिटी क्या होता है। सो देखो, कभी भी आप लोगों को टैंक की कैपेसिटी निकालना है, टैंक की कैपेसिटी निकालना है, तो आप बोलेंगे कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, फ्लो रेट इनटू टाइम। जब आप फ्लो रेट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपेसिटी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। जैसे मैंने एक टैंक बना दिया, ये रहा एक टैंक, ठीक है। मैंने बोला कि एक पाइप ए है जिसका फ्लो रेट दिया है 20 लीटर पर मिनट है और ये 10 मिनट में फिल कर देता है टैंक को। 10 मिनट में क्या करता है, टैंक को फिल कर देता है। तो 10 मिनट के 20 के हिसाब से टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20 × 10 = 200 लीटर। दैट मीन्स कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरेट इंटू टाइम। फ्लोरेट में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटी मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 1/5 ऑफ टैंक, ठीक है, 1/5 ऑफ टैंक फिल किया जाता है कितने की फ्लोरेट से, 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक। इसके बाद बोला है हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से, एंड रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड एट द रेट ऑफ कितना बोला है यहाँ पर, 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अगेन कितना बोल दिया, 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से। सो जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, टोटल टाइम लगेगा 30 मिनट। अब आपको ये बताना है टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा हमारा। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से कि अगर यही टैंक ए अकेला फिल करता है तो उसको 30 मिनट लगता है और बी अगर फिल कर रहा है तो उसको 15 मिनट लगता है, तो इन दोनों का फ्लोरेट एक साथ क्या बनेगा, ए एंड बी का फ्लोरेट क्या बनेगा, ये निकालना है हम लोगों को, ठीक है। सो हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पर 1/5 है, 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से, हाफ ऑफ टैंक 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, आप बोलेंगे रिमेनिंग बचेगा 1 − 1/5 + 1/2। 1 माइनस कितना हो जाएगा ये आपके पास, 7/10, 10 में से माइनस करेंगे 3/10, तो 3/10 ऑफ पार्ट रिमेनिंग होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि जो टैंक का कैपेसिटी वो एज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक रहा होगा एन, कैपेसिटी कितना एज्यूम कर लेते हैं, कैपेसिटी एन रहा होगा, तो एन बाय 5 फिल करने में 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से फिल कर रहा होगा, एन बाय 2 फिल कर रहा होगा 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से, एंड 3n/10 फिल कर रहा होगा 24 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटी फ्लोरेट यही है। तो कैपेसिटी को अगर मैं फ्लोरेट से डिवाइड करूंगा तो टाइम मिलेगा,
कैपेसिटी को क्या करेंगे, फ्लो रेट से डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा. सो कैपेसिटी डिवाइड बाय फ्लो रेट, तो ये कितना बन जाएगा, एन डिवाइड बाय 120 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बाय 60 प्लस ये कितना बन जाएगा 2240 मतलब एन बाय 80 बन जाएगा ना, एन बाय 80. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा. सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2/3 एन डिवाइड बाय 120 प्लस एन बाय 80 40 हो जाएगा. अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2n और कितना हो जाएगा 3n बाय ये कितना बन जाएगा 80. सो टोटल टाइम कितना लग गया है, 3n बाय 80 जो होगा वो टोटल टाइम होगा हमारे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना दिया है, 30 मिनट दिया है. इसका मतलब बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 लीटर. सो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ गया है, 800 लीटर. सो n का वैल्यू बन गया 800 लीटर. ये तो फर्स्ट आ गया हम लोग पास कि कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना बनेगा, 800 लीटर बनेगा. अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर यही ए और बी दोनों मिलकर अगर टैंक को एक साथ फिल करते हैं तो इनका जो फ्लो रेट होगा वो क्या बनेगा, दोनों का एक साथ फ्लो रेट क्या बनेगा ये बताना है हम लोगों को. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों मिलकर फिल करते हैं तो इसका जो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा, 30 और 30 को डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3 और 2 और 15 से डिवाइड करेंगे 1. दैट मीन्स दोनों मिलकर टैंक को फिल करने में जो टाइम लेंगे वो कितना लेंगे, 10 मिनट का टाइम लेंगे. कितना टाइम लेंगे, 10 मिनट का. हमको दोनों का एक साथ फ्लो रेट निकालना है. आपको पता है कि फ्लो रेट क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम होता है. तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 800 है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 10. तो इन दोनों का जो फ्लो रेट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 80 लीटर पर मिनट. सो ए एंड बी का जो फ्लो रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 80 लीटर पर मिनट. दैट मीन्स हम दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर क्या आएंगे, 880, जो आपकी आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा. आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना. हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं आते पाइप एंड सिस्टम के मेंस एग्जाम में. प्रीलिम्स में आप लोगों ने जो पढ़ा है वैसे ही आता है, बट मेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा टफ होता है. ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर कौन सा आंसर आएगा. कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक का आंसर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं. सपोज यहाँ पर देखो पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, सेकंड दिया था, दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे. अब दो फिल इन द ब्लैंक्स के आप लोग आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं. दैट मीन्स डाटा सफिशिएंसी टाइप में. डाटा सफिशिएंसी में ये होता है ना, कौन से स्टेटमेंट से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, वैसे भी क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों से, एक्स एंड वाई इन्वेस्ट 40,000 एंड 50,000 इन अ बिजनेस रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या हुआ है, इन्होंने 40,000 और 50,000 के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है, इसके बाद क्या बोला है आपसे, आफ्टर 2 मंथ ऑफ इन्वेस्टिंग, 2 महीने बाद एक्स इन्वेस्ट 40,000, आफ्टर 3 मोर मंथ वाई ऑल्सो इन्वेस्ट 20,000, बट 3 मोर मंथ लेटर एक्स विदड्रॉ 10,000. एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर टुगेदर रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स, आउट ऑफ विच एक्स रिसीव रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स एंड वाई रिसीव 9,250 एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द ब्लैंक इन द क्वेश्चन. आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पुट करे कि हम लोगों का पूरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाए. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार, क्या करेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन, है ना, फिर गलती करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैसे करना है करेक्ट, है ना. हो सकता है गलती ना भी करे, बट अगर गलती होती है तो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन करना है और क्या गलती होती है, ये मेन चीज़ आपको पता चलेगी. ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में गलतियाँ होती हैं, जनरली बहुत गलतियाँ होती हैं. चलिए सो ट्राई करेंगे पहले थोड़ा सा. ओके, आपसे बोला गया है कि एक्स और वाई ने क्या किया है, पैसा लगाया 40,000 और 50,000 रुपये. ठीक, एक्स ने लगाया है 40,000 40 के एंड वाई ने लगाया है 50 के. ठीक है, इतना बोला है. आफ्टर 2 मंथ of investing x invest rupees 40,000. ठीक है, क्या बोला है आपसे, after 2 month of investing x invest 40,000. मतलब 2 महीने बाद, ये 2 महीना हो गया, 2 month के बाद क्या किया x ने 40 और लगा दिया, मतलब अब ये कितना लगा रहा है, 80 के लगा रहा है. 2 महीने बाद इसने कितना कर दिया, 80 के कर दिया है. यहाँ तक तो सभी को समझ में आएगा. आफ्टर थ्री मोर मंथ मतलब क्या होगा, 2 month होगा उसके 3 महीने बाद, है ना, ध्यान से पढ़ना. 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने के 3 महीने बाद, मोड लिखा है मतलब 3 महीने और 2 महीने, 5 महीने के बाद. आफ्टर 5 मंथ वाई ऑल्सो इन्वेस्ट 20,000. मतलब वाई ने इतना पैसा
मंथ के लिए लगाया, उसके बाद इसने क्या किया 20 और लगाया, मतलब 70,000 कर दिया, 20,000 और लगा दिया। अभी जो टाइम हो गया 5 मंथ के बाद का है ना, 5 मंथ के बाद इसने 70,000 लगाया। अब देखो यहाँ पर, बट थ्री मोर मंथ ध्यान से पढ़ना ना, थ्री मोर मंथ लेटर एक्स विड्रो 10,000। थ्री मोर मंथ लेटर मतलब देखो 5 महीने हो गए, 5 के 3 महीने बाद कितना होगा 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मतलब 2 महीने हो गए, तो इतने 6 महीने के लिए 80,000 लगाया होगा 8 महीने के बाद ना, तो 2 महीने के लिए 40 लगाया था, उसके बाद बचे 6 महीने के लिए 80,000 लगाया था। 8 मंथ के बाद आफ्टर 8 मंथ एक्स ने क्या किया 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो अब एक्स कितना लगा रहा है 70 के लगा रहा, हाउ मेनी मंथ्स के लिए लगा रहा बचे आप आगे देखेंगे। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, मतलब 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, बच्चा कितना महीना होगा 4 मंथ बचे होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसने 5 मंथ के लिए तो इतना लगाया है, बचा हुआ मंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 मंथ के लिए लगाया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये यहाँ पर गलती नहीं करना हम लोगों को, अगर आपने टाइम में गलती कर दी डेफिनेटली आपका रेशियो गलत आएगा, और रेशियो गलत आएगा आपका आंसर करेक्ट आ ही नहीं सकता है। क्लियर इतना। अब हमको बताना क्या है, पहला फिल्म डब्लेक्स में पूछता है कि दे टुगेदर रिसीव अ प्रॉफिट, टुगेदर इनको कितना पैसा मिल रहा है, एंड सेकंड में पूछा है कि एक्स को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर वाई को 9,275 मिलता है, वाई को कितना मिलता है 9,250 मिलता है, तो देखो अगर हम लोगों को रेशियो निकालना है प्रॉफिट का, तो आपको पता है कैपिटल में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट का रेशियो आता है, तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 80, और ये कितना बन जाएगा 480, और ये कितना बन जाएगा 280। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 6 केरी आएगा 1, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 1,560। यहाँ पर देखते कितना हो जाएगा, ये 250 बनेगा और ये कितना बनेगा 490 बनेगा, 250 प्लस 490 कितना बनेगा, ये हमारे पास ये बनेगा 9 और 5 कितना 14 का 4 केरी आया 1, 4, 2, 6 और 7 740 बनेगा। ठीक है, और ये 80 को इधर ऐड करना था, तो ये कितना बनेगा 0, 24 का 4 केरी आया 2, 4, 5, 6, 7, 8 840 बनेगा ना, बताते नहीं हो आप लोग। ठीक, चलो कितना बनेगा 840 एंड कितना बनेगा 740, दैट मीन्स ये जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा 42 का, और ये कितने का बन जाएगा 37 का, 42:37 का रेशियो बन गया है, जिसमें आपको ये वाला वैल्यू पता है 37 का वैल्यू कितना दिया 9250 दिया है। सो बोल सकते हैं 37 = 9250 होता है, सो एक यूनिट का वैल्यू बनेगा 37 जा कितना बनेगा 74, और बचेगा कितना आपके पास 74 बचेगा 18, मतलब 37 × 5 = 185 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 250 हो गया। अब देखो पहले वाले ब्लैंक में आप लोगों से पूछा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, एंड सेकेंड वाले में पूछा गया कि एक्स का प्रॉफिट क्या होगा। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करता हूँ तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 4 और 3 7 79 यूनिट होगा, बट अगर यहाँ पर हमको निकालना है किसका प्रॉफिट एक्स का, तो 42 का वैल्यू निकालना है, तो एक यूनिट का वैल्यू 250, तो यहाँ पर 250 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 250 का मल्टीप्लाई कर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 25 × 50 जीरो केरी आएगा 5, 25 × 100 और 10,500, सो प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 10,500। अब एक बार आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन देखते अगर हम लोग तो आपको दिख रहा है कि 10,500 ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बट अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में 10,500 दिखता है तो आप ये भी पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 9 = 225 का 5 केरी आया 22 25 × 175 प्लस 22 कितना होगा 197, तो ये बन जाएगा 19,750 आप लोगों का आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है यहाँ पर आप लोगों को। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग है ना जब करते हैं अर्थमेटिक में करते हैं, सिंपल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान लगता है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बट अगर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय पेइंग 48,500 सच दैट द मैन्युफैक्चरर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फिल इन द ब्लैंक परसेंटेज, द डीलर फर्दर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर रुपीज समथिंग earning a profit of 12%, thus the price of refrigerator increased by 40% in 2 sales. Which of the following options satisfy the 2 blanks in the question? अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखे, तो ऑप्शन में आपको 28, 25, 24, 20 सभी ऑप्शन में परसेंटेज डिफरेंस दिया है, दैट मीन्स अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली परसेंटेज निकालते हैं तो भी काम हो जाएगा, तो भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आंसर क्या बनेगा, आई बात समझ में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, मैन्युफैक्चर क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर डीलर को दे रही है, डीलर क्या करता है कस्टमर को देता है। तो देखो मैन्युफैक्चर कंपनी ने क्या किया है, डीलर को दिया है, डीलर ने कितना पैसा पे किया है,
Adela bought a refrigerator from the manufacturer by paying 48,500. अब इसने अगर मैन्युफैक्चर कंपनी से 48,500 रुपये लिया है तो इसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसको सपोज किया एक्स परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, तो एक्स परसेंट का वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद क्या बोला है कि जो डीलर था इसने कस्टमर को सेल कर दिया। अब डीलर ने कस्टमर को सेल किया है तो इसको भी कुछ पैसे में सेल किया होगा, तो इसको डीलर को भी कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये हमको गिवन है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12% हो रहा है। अगर ऐसी प्रोसेस चलती रहती है तो आप लोगों से बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस 40% से इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ इंक्रीज बाय 40%। अगर इसने इसको प्रॉफिट बेचा है तो कुछ प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ होगा, फिर इसने इसको बेचा प्रॉफिट परसेंटेज प्राइस इंक्रीज़ हुआ होगा, तो टोटल प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो 40% का चेंज आ रहा है। तो अब देखो करने का तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 40% इंक्रीज़ हो रहा है तो 100 इसको एज्यूम कर लेते हैं, 40% निकालेंगे, 140 का वैल्यू निकालोगे, आप लोग आंसर बनेगा 140 में से फिर आप लोग इसको माइनस करोगे, डीलर के पास का पैसा बनेगा, डीलर के पास के पैसे से फिर आप लोग मैन्युफैक्चरर वाला पैसा देखोगे तो एक्स का वैल्यू बनेगा। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है, जैसा आप लोग करते हैं हमेशा, है ना। आप लोग सोच भी रहोगे वैसा करना, बट वैसा बिल्कुल मत करो। आप लोगों को करना है क्या, देखो यहाँ पर दो सक्सेसिव बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार एक्स परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है और एक बार 12% से इंक्रीज़ हो रहा है, ये बात तो समझते हो। तो हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट कभी भी होता है तो आप लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, या फिर हम लोग उसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से करोगे आंसर बहुत चल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है आप लोगों को, देखो अगर एक्स परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि पहले प्राइस एक्स रहा होगा, उसको आपने इंक्रीज़ कर दिया वाई, एक्स से वाई हो गया है। फिर सेकंड टाइम क्या हो रहा है, 12% से इंक्रीज़ हो रहा है, 12% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो बोल देता हूँ 3/25 होगा, इसका मतलब प्राइस पहले 25 था उसमें 3 आपने इंक्रीज़ करके 28 कर दिया, तो 25 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 40% से इंक्रीज़ हो रहा है। 40% मतलब क्या होता है, 40% मतलब होता है 2/5 मतलब 5 में 2 इंक्रीज़ करें, 5 से 7 हो रहा है, ठीक है। हमको ये निकालना है x और y का रेशियो क्या होगा, जो x एंड y का रेशियो होगा वही हमारा परसेंटेज दिखा देगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितना बनेगा, 25 ऑफ x डिवाइड बाय 28 ऑफ y इक्वल टू 5/7, 5 से कैंसिल करो 5 टाइम्स, 7 से कैंसिल करो 4 टाइम्स, तो x बाय y का रेशियो कितना बन जाएगा, 4/5 का। इसका मतलब x अगर 4 होगा तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, आप बोलेंगे 1/4×100, सो ये जो आंसर बनेगा 25% बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपने 25% से प्रॉफिट पे दिया होगा, देन उसके बाद 12% प्रॉफिट पे दिया होगा, तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट 40% बना होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट नहीं करना हम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ फ्रैक्शन का यूज़ करना और आंसर निकालना है। अब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि कितने में बेचा होगा, है ना, कितने में बेचा होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 100% है, 100 का 140% निकालोगे तो आपको वो तो डायरेक्टली पता चली जाएगा। बट अगर यहाँ पर देखा आपने तो 54,320 आपको दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने परसेंटेज को पहले लिया और परसेंटेज को ही निकाला, क्योंकि परसेंटेज चारों ऑप्शन में डिफरेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ओनली बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहे हैं, दो सक्सेसिव हो रहे हैं ना, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आपका इंक्रीमेंट पता चलता है। तो ये हमको नहीं पता कितना इंक्रीमेंट हो रहा, तो मैंने एक्स माना, एक्स से वाई हो रहा था, तो ये कितना हो रहा, 25 से 28 हो रहा, बिकॉज 40% इक्वल टू 2/5 होता, 5 से 2 ऐड किया 7 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई, 5 और 7 के बराबर होना चाहिए, सो हमको x और y का रेशियो 4/5 के फॉर्म में मिल गया, 4/5 के फॉर्म में मिल गया, मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 25% से इंक्रीज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मेंस एग्जाम में देखने को मिलने ही है, 110% मिलना है देखने को, बिकॉज या तो आपको IBPS SBI क्लर्क में देखने को मिलेंगे या फिर SBI PO मेंस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। और आपको पता है प्रीलिम्स का पेपर अगर इतना आसान हुआ, डेफिनेटली मेंस का पेपर बहुत टफ होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है अपनी। अ मैन गॉट रुपीज एज हिज रिटायरमेंट मनी, आउट ऑफ विच ही गेव 30% टू हिज वाइफ, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही गेव फिल इन द ब्लैंक परसेंटेज टू ईच ऑफ हिज टू सन सच दैट दे टुगेदर रिसीव 35% ऑफ द रिटायर मनी। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही इन्वेस्ट 60% इन द प्रॉपर्टी एंड डिपॉजिट द रिमेनिंग 56,000 इन द बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द टू ब्लैंक इन द क्वेश्चन, इसमें से कौन से दो ऑप्शन होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब यहाँ पर बात समझना,
अगर यहाँ पर स्टार्टिंग का पैसा दिया होता रिटायरमेंट मनी का, तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। बट यहाँ पर रिटायरमेंट मनी नहीं पता है आपको, तो रिटायरमेंट मनी हमको एज्यूम करना पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को इसको, ठीक। चलिए आज ये बोर्ड पे करते हैं क्वेश्चन को, क्या करना है। सबसे पहले देखा हम लोग रिटायरमेंट मनी एज्यूम कर लेते हैं, रिटायरमेंट मनी एक्स है, ठीक है। एक्स अच्छा लगता है तो एक्स एज्यूम करो, वाई जेड ए बी सी डी जो अच्छा लगता है वो एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक्स में से क्या किया, वाई को दिया गया कितना पार्ट है 30%, तो एक्स का 30% कितना होगा 0.30 ऑफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ वाई को दिया होगा 0.30 ऑफ एक्स। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा 0.70 ऑफ एक्स। अब आगे आपसे बोला गया है फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही गिव परसेंटेज, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, वो नहीं पता है कितना परसेंट दे रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। टू ईच ऑफ हिज टू सन सच दैट दे टुगेदर रिसीव 35% ऑफ रिटायरमेंट मनी, मतलब दोनों सन को जो पैसा मिल रहा है टोटल मनी का 35% है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो सन को पैसा मिल रहा है टोटल कितना है, एक्स का 35 मतलब 0.35 ऑफ एक्स मिल रहा है, ये सन को पैसा मिल रहा होगा 0.35 दोनों सन को। अब इसको डिवाइड कर दोगे, आधा आधा दोनों में इक्वली डिवाइड कर देना है, ठीक है। 35% ऑफ द रिटायरमेंट मनी, ठीक। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही इन्वेस्ट 60% इन प्रॉपर्टी, अब जो बचा हुआ अमाउंट है, अच्छा ये बताओ बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, 0.30 ऑफ एक्स वाइफ को दे दिया है, 0.35 किसको दे दिया, सन को दे दिया है, तो बचा हुआ अमाउंट होगा, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो बचेगा 0.35 ऑफ एक्स, और इसका 60% मतलब 3/5 किसको देना है, 3/5 उन्हें इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी पर, रिमेनिंग का प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 0.7, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 0.21 बन जाएगा ना, 0.21 ऑफ एक्स, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास कितना 0.21 ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी पर लगा दिया, प्रॉपर्टी पर इतना लगा दिया 0.35 में से 0.21 हमने प्रॉपर्टी पर लगाया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 0.14 ऑफ एक्स रिमेनिंग होगा। 0.14 ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 56,000, कितना दिया है 56,000। सो यहाँ से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मतलब एक्स का वैल्यू बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ₹4,00,000। एक्स का वैल्यू कितना बन गया 4,00,000। तो आपने ये तो निकाल दिया कि टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, टोटल पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मेन कितना 4,00,000 रुपीज़, और 4,00,000 रुपीज़ से ही आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है कि सन को कितना परसेंट रिमेनिंग का दिया जा रहा है, बट यहाँ पर अगर ऑप्शन में 4,00,000 दो तीन ऑप्शन में आ जाते फिर हम लोग परसेंटेज निकालना पड़ता, और परसेंटेज निकाल भी लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि टोटल 4,00,000 था, 4,00,000 में से 30% वाइफ को दिया जा रहा है, 4,00,000 का 30% कितना हो जाएगा, 4,00,000 का 30% 1,20,000, 1,20,000 अगर वाइफ को दे दिया है, 1,20,000 1.2 लाख वाइफ को दे दिया है, तो आप बोलेंगे कितना रिमेनिंग होगा, तो आप बोलेंगे 2.8 लाख रिमेनिंग होगा, यही होगा रिमेनिंग। ये 2.8 लाख का कुछ परसेंटेज सन को दिया जा रहा है, और परसेंटेज हमको बताना है क्या परसेंट से दिया जा रहा है, और आपको पता है कि दोनों सन को टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है 0.35 दिया जा रहा है, मतलब 35% दिया जा रहा है, 35% ऑफ 4,00,000, 35% ऑफ 4,00,000 कितना हो जाएगा 1,40,000, यही होगा ना, 35 × 4 कितना होगा 1.4, मतलब 1,40,000 1.4 लाख किसको दिया जा रहा है, सन को दिया जा रहा है, दोनों को, तो एक सन को कितना दिया जा रहा होगा, तो आप बोलेंगे 70,000 दिया जा रहा है, एक सन को कितना दिया जा रहा है 70,000। तो ये जो 70,000 है वो 2.8 लाख का कितना परसेंट है, वही तो पूछा है हमसे, तो कितना हो जाएगा ये 70 / 2.8 को लिख सकते हैं 280 लिख देते हैं × 100, क्योंकि ये भी 1,000 में हो गया, ये भी 1,000 में हो गया, इसको कैंसिल किया आपने 4 हो गया, 4 से कैंसिल किया 25, तो परसेंटेज में भी कितना आ गया 25% ऑफ रिमेनिंग सन को दिया जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, आगे ही बात समझ में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो नए पैटर्न के दिखते हैं ना, तो एग्जाम में अगर पहली बार हम लोगों को दिखते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, दैट्स वाई मैं ये सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, ये तरीका पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको मेथड पता है, आपको तरीका पता है, आपको लॉजिक पता है, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ईजी होगा फिर भी हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, स्किप ही करके हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, बट वो क्वेश्चन हो सकता है ईजी भी हो, तो हमको करते आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अ फ्रीलांसिंग वेबसाइट चार्ज अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ऑल प्रोजेक्ट अप टू ₹20,000, ठीक। एंड देन आपसे क्या बोला है, एंड 15% ऑफ द अमाउंट अबाउट 20,000 सच दैट ऑन डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज़
समथिंग अ फ्रीलांसर रिसीव 43,500 फ्रॉम द वेबसाइट आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन विच इज परसेंट लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द टू ब्लैंक इन द क्वेश्चन. इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा टू ब्लैंक्स ऑफ द क्वेश्चन को. ठीक है, फ्रीलांसिंग वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है ना. अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया नहीं बना पाओगे क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीलांसर भी आ रहा है, वेबसाइट भी आ रही है और आपको पैसा भी देना है. ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट दिया है. प्रोजेक्ट इसको दिया है, वेबसाइट कंपनी को दिया है. वेबसाइट कंपनी क्या करती है, फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट बनवाती है, फ्रीलांसर को कुछ पैसा देती है, उसमें से कुछ कमीशन अपने पास रखती है, है ना. तो अपने पास कितना कमीशन रखती है ये बताना है आप लोगों को, और आप लोगों को ये बताना है कि कितना परसेंट उसने प्रोजेक्ट में पैसा कम लगाया है एज कमीशन. आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को, है ना. तो आपसे बोला गया है कि फ्रीलांसिंग कंपनी जो है वो क्या कमीशन लेती है, 20,000 तक ये जो कमीशन लेती है वो 10% कमीशन लेती है. एंड अबो 20,000 में इसका कमीशन कितना हो जाता है, 15% हो जाता है. 20,000 से ज़्यादा में उसका कमीशन 15% हो जाता है. ठीक है, और आपसे बोला गया है such that on doing a project or rupees something a freelancer receive 43,500. suppose किया project का जो price है, project का जो price है वो हम लोग assume कर लेते हैं x रहा होगा, जिसमें से freelancer को कितना मिला है, freelancer को मिल गया है कितना, 43,500. freelancer को इतना मिल गया है. अब freelancer को 43,500 मिल गया है तो website company को कितना मिला होगा, तो आप बोलेंगे website company को मिला होगा x माइनस 43,500, इतना मिला होगा वेबसाइट कंपनी को, इतना पैसा मिला होगा. क्लियर. अब अगर हम लोग कमीशन की बात करते हैं, कमीशन से कितना पैसा मिला होगा, अगर टोटल प्रोजेक्ट का प्राइस x है जिसमें से 20,000 पे उसको 10% मिलता है, किसको मिलता है, वेबसाइट कंपनी को, तो हम बोलेंगे 10% ऑफ 20 के वेबसाइट कंपनी को मिलेगा प्लस 15% ऑफ कितना, x माइनस 20,000. ये वेबसाइट कंपनी को क्या मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन का वैल्यू ये है, इज इक्वल टू कर देंगे x माइनस 43,500. इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको 10% और 20,000 ये बन जाएगा 2,000 प्लस ये कितना बनेगा 15%, मतलब 0.15 ऑफ x माइनस ये कितना बन जाएगा, 15% निकालना है तो ये बन जाएगा आपके पास 3,000 इज इक्वल टू x माइनस 43,500. यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू देखते हैं तो ये माइनस 1,000 बन जाएगा और ये आ जाएगा 42,500 इज इक्वल टू 0.15 माइनस करेंगे 85x बन जाएगा. ठीक है, अब 0.85 का वैल्यू ये बन रहा है तो x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना बन जाएगा, अगर आप लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कैंसिल करोगे 0.15, 7 से तो नहीं हो रहा है ना, ये हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं. ठीक है, 5×1=5 बचेगा कितना, 3×3 और 5 से कैंसिल किया 5×8=40 बचेगा 2×5 और 17×5 500 और ये 0.00 इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 50,000. तो प्रोजेक्ट का जो प्राइस था वो कितना था, 50,000 रुपये. प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 50,000. तो प्रोजेक्ट का प्राइस तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 50,000, बट 50,000 ओनली ऑप्शन नंबर बी में ही, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा. बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. बट अगर दो तीन ऑप्शन में 50,000 आ गया तो परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा. परसेंटेज भी निकाल के देख लेते हैं. आपसे क्या बोला गया है इसमें, 40,000 फ्रॉम द वेबसाइट आफ्टर डिटेक्टिंग द कमीशन विच इज परसेंट लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक, अब हमने क्या किया है, इसमें से क्या किया, पैसा निकाला है. क्या बोला है, आफ्टर डिटेक्टिंग द कमीशन विच इज परसेंट लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट. टोटल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट से कितना कम होगा, अब बताओ डिड्यूस करेंगे आप लोग तो टोटल 50,000 था, 50,000 में से 43,500 अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोग बोलेंगे 6,500 बचेगा. 6,500 क्या मिला है, कमीशन मिला है कंपनी को, जो कि कितना परसेंट कम होगा टोटल से, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 50,000 × 100. आप लोग ये सॉल्व करेंगे 2020 कितना आ जाएगा, 13% इस क्वेश्चन का आंसर है. 13% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा. अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना इक्वेशन नहीं बनाना और डायरेक्ट बताना है आप लोगों को आंसर, डायरेक्ट बता सकते हैं, बट डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. तो डायरेक्ट भी देख लेते हैं कैसे करना होगा. तो देखो डायरेक्ट की अगर बात करता हूं, तो आपको पता है वेबसाइट कंपनी को कमीशन मिल रहा है. वेबसाइट कंपनी को जो कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अगर 20,000 तक का सेल किया है और 20,000 से अबो किया है तो यहाँ पर 10% मिलता है, यहाँ पर 15% मिलता है ना. और
जो पैसा दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है किसको, फ्रीलांसर को, कितना दिया जा रहा है, 43,500 दिया जा रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं हम लोग, ये 15% है, इसको भी 15% बढ़ा देते हैं। इसको 15% बढ़ाना है तो मैं इसमें 5% ऐड करूँगा। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 20,000। मैंने 20,000 का 5% बढ़ा दिया। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। मैंने क्या किया, वेबसाइट कंपनी को 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है, 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। इसका मतलब उसको यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 15% कमीशन मिलेगा, यहाँ पर भी 15% कमीशन मिलेगा। अगर मैंने इसको 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, किसको, वेबसाइट कंपनी को, वेबसाइट कंपनी ने 1,000 रुपये अपने पास रख लिया है, इसका मतलब वो फ्रीलांसर को 1,000 रुपये कम देगी, और 1,000 रुपये कम देगी तो 42,500 ही फ्रीलांसर को मिलेंगे। अब आप लोग अगर एज्यूम करते हैं कि टोटल परसेंटेज 100 होगा, तो 100% में से 15% तो निकल चुका, मतलब 15% माइनस कर दिया हम लोगों ने। अगर 15% कमीशन वेबसाइट कंपनी ने अपने पास रखा है तो फ्रीलांसर को परसेंटेज में कितना दिया होगा, आप बोलेंगे 85% दिया होगा। 85% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42,500 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1% का वैल्यू निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 500, तो 100% का वैल्यू बोल सकते हैं डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 50,000। सो 50,000 रुपीज़ प्रोजेक्ट का प्राइस आ गया है, ठीक, बिना इक्वेशन बनाए, इक्वेशन नहीं बनाया हमने, डायरेक्ट कर दिया। एक और बार समझना क्या किया हम लोगों ने, कि वेबसाइट कंपनी को जो कमीशन मिलता है 20,000 के अबो में 15% मिलता है, 20,000 के पहले उसको 10% मिलता है, तो 20,000 पे भी हम 15% बना देते हैं, उसको कमीशन उसको 15% देते हैं। अब अगर इसको 15% कमीशन मिलेगा, दैट मीन्स 5% आपने इंक्रीज़ किया है, 5% और 20,000 कितना, 1,000 रुपये। अगर वेबसाइट कंपनी को 1,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स वो फ्रीलांसर को 1,000 रुपये कम देगी। पहले फ्रीलांसर को 43,500 दे रही थी, अब कितना, 1,000 कम दे रही है, मतलब 42,500 ही पैसा दिया जा रहा है। अब कमीशन कितना मिल रहा है कंपनी को, 15% ओवरऑल टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 15% मिल रहा है आउट ऑफ 100%। 100 में से 15% अगर वेबसाइट कंपनी ने रखा है तो फ्रीलांसर को 85% देगी, तो 85% का वैल्यू 42,500 होगा, दैट मीन्स 1% का वैल्यू 500 होगा, तो 100% का वैल्यू 50,000 हो जाएगा, 50,000 आप लोगों का आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है, क्या बोला गया है, करंट स्टार्ट एट 11 AM टूवर्ड विलेज अर्जुनगढ़। करंट किधर जा रहा है, विलेज ए की अर्जुनगढ़ की तरफ जा रहा है, और कितनी बजे निकल रहा है ये, 11 बजे निकलता है, ठीक है। अब आपसे आगे बोला गया है उसका जो स्पीड है वो 1 km/h से, उसका स्पीड नहीं पता हम लोगों को, ठीक। इसके बाद आपसे बोला गया है कि भारत ने स्टार्ट किया फ्रॉम द सेम पोजिशन एट 2:30। करंट स्टार्ट एट 11 AM टूवर्ड विलेज अर्जुनगढ़ एट 2:30 PM एंड ओवरटेक करंट एट 3 PM। मतलब करंट 11 बजे चलना स्टार्ट करता है और भारत जो है वो 2:30 बजे चलना स्टार्ट करता है, और दोनों एक दूसरे से 3 बजे मिलते हैं, ठीक। यू इज़ कमिंग फ्रॉम विलेज अर्जुनगढ़ टूवर्ड करंट एंड भारत, हिज स्पीड इज 72 km/h एंड मीट्स भारत एट 3:30 PM। करंट रीच अर्जुनगढ़ एट बी, इफ भारत रीच एट 4:15 PM। अब आपको बताना है कि ए की प्लेस पे क्या होगा और बी की प्लेस पे वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको बताना है कि करंट का जो स्पीड होगा वो क्या बनेगा, एंड सेकंड आप लोगों को बताना है कि करंट अर्जुनगढ़ कब पहुंचेगा, और मतलब करंट अर्जुनगढ़ पहुंचेगा तो टाइम क्या हो रहा होगा, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आंसर नहीं चाहिए, आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है, ए या बी। तो ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा। आप लोग ए कैलकुलेट कर पाएंगे या बी कैलकुलेट कर पाएंगे या दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए आ जाइए बोर्ड पे, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। आप लोगों से बोला है कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ए पॉइंट लिया, यहाँ से आपको जाना है अर्जुनगढ़, ये अर्जुनगढ़ ले लिया, ठीक है। कौन कौन चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर आपके साथ, तो करण और भारत ने चलना स्टार्ट किया। अब देखो करण कब चलना स्टार्ट करता है, करण चलना स्टार्ट करता है जो टाइमिंग है उसका 11 AM पे स्टार्ट करता है, और ये कब चलना स्टार्ट करता है, 2:30 PM पर चलना स्टार्ट करता है। आपसे बोला गया कि दोनों 3 बजे एक दूसरे से मिलते हैं, 3 PM पर मिलते हैं एक दूसरे से, 3 PM पर एक दूसरे से मिले हैं, और 3 PM पर मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में भारत को 4:15 का टाइम लगता है, 4:15 PM पर वो पहुँच जाएगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा। अर्जुन यहाँ से निकलता है 72 km/h की स्पीड से, बट हमको ये नहीं पता है कि अर्जुन कितने टाइम पर निकल रहा है, टाइमिंग नहीं पता है अर्जुन का, है ना। अर्जुन का अगर टाइम नहीं पता तो ये वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है, देखेंगे समझेंगे आगे। देखो यहाँ पर आपसे बोला है करण ने यहाँ पर जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही भारत ने कवर किया होगा, करण और भारत ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा, तो बोल देते डिस्टेंस इक्वल होगा,
अगर डिस्टेंस इक्वल होगा इसका मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सो अगर मैं टाइम की रेशियो की बात करता हूँ किसके, करंट और भारत के, करंट को कितना टाइम लग रहा है, 11 बजे 3 बजे तक 4 घंटे का टाइम लग रहा है। बट भारत को कितना टाइम लग रहा है, 2:30 बजे चलना स्टार्ट किया, 3 बजे पहुंच गया, मतलब आधा ही घंटा लगता है। इसका मतलब जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 8:1 बन जाएगा। टाइम का रेशियो अगर 8:1 है तो आप लोग ये बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या बनेगा। आप बोलेंगे सर इन्वर्स हो जाएगा, 1:8 का हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ मैं करंट की अगर स्पीड एक्स होगी तो भारत की कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। करंट की स्पीड अगर 8x है तो भारत की स्पीड कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। क्लियर है, स्पीड का रेशियो पता चल गया हम लोगों को। अब देखो 3 बजे के बाद भारत को 4:15 लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, मतलब 1:15 में भारत क्या करेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। 1:15 मतलब बोल सकते हैं 1/15 मतलब हो जाएगा 1/4 मतलब 1.25 आवर्स में भारत क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। और भारत का स्पीड कितना है, 8x है। तो 8x की स्पीड से 1.25 आवर्स में इसने जो डिस्टेंस चला होगा वो 10x चला होगा। 1.25 में x का मल्टी 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 8, और 25 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 2.2 हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे, 0.8 + 0.2 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। मतलब 8 + 2 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10x आपका ये डिस्टेंस आ गया, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 10x आ गया। अब ये 10x का डिस्टेंस कवर करना है, किसको कवर करना है, करंट को। करंट को 10x का डिस्टेंस कवर करना है, करंट का स्पीड कितना है, x का। तो 10x/x दैट मीन्स करंट को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 आवर्स। 10 घंटे के बाद करंट कहाँ पहुँचेगा, अर्जुनगढ़ पहुँचेगा। 10 घंटे बाद मतलब 3 बजे के बाद 10 घंटे बाद जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 AM पर। तो 1 बजे क्या करेगा, करंट कहाँ पहुँच जाएगा, अर्जुनगढ़ पहुँच जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि करंट का स्पीड बताओ, तो करंट का स्पीड आप लोग बता सकते हैं क्या, करंट का स्पीड आपसे ए में पूछा ना, करंट का स्पीड क्या होगा, करंट का स्पीड बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि करंट और भरत के रेशियो पता है हम लोगों को, और करंट और भरत का अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज अर्जुन का अगर हम लोगों को स्पीड पता है और उसका टाइम भी पता होता तो शायद हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, बट इसका हमको क्या पता है, टाइम नहीं पता है। हो सकता है ये सुबह 1 बजे निकला हो सकता है सुबह 12 बजे निकला हो, ये भी हो सकता है 1 बजे निकला हो, 2 बजे 3 बजे कभी भी निकला हो, टाइम नहीं पता तो हमको ये नहीं पता चलेगा ये मिले भी होंगे तो कब मिले होंगे, इतनी देर में अर्जुन ने कितना कवर किया होगा, करण ने कितना कवर किया होगा, यू ने कितना कवर किया होगा, बिल्कुल नहीं बता सकते। दैट मीन्स आप लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली एंड ओनली बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आई होगी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को एकदम करेक्ट करना है, और न्यू टाइप के क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सपोर्ट करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।